एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के शो अनुपमा को फैंस का खूब प्यार मिलता है। शो 2020 में शुरू हुआ था, तब से फैंस इसे पसंद कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ हफ्ते से गुम है किसी के प्यार में से अनुपमा को पीछे छोड़ दिया था। सीरियल अनुपमा की कहानी इन दिनों अनुपमा के बेटे समर की मौत के इर्द गिर्द घूम रही है। अनुपमा और वनराज बेटे के जाने के गम में वो भरने की कोशिश में लगे हैं। अनुपमा बेटे समर के कातिलों को सजा दिलाने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि सभी ने अनुपमा का साथ छोड़ दिया है। अनुपमा के बच्चे पाखी और तोसू ने भी पीछे हाथ खींच लिए हैं। वही अनुज अनुपमा की ताकत बनकर साथ खड़ा है। इसके अलावा अनुपमा की फ्रेंड देविका भी उनके साथ है। इसी बीच खबर है कि अनुपमा में एक नई एंट्री होने वाली है। खबर के मुताबिक अनुज के भाई और मालती देवी के दूसरे बेटे की एंट्री शो में होगी। मेकर्स निवेद तिवारी को इस रोल के लिए ला रहे हैं। अभी तक उनके कैरेक्टर को लेकर ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो अनुपमा की जिंदगी में नया विलेन बनकर आएंगे। खैर, निवेद तिवारी की एंट्री को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है निवेद तिवारी। निवेद तिवारी को पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में देखा गया है। वो हिंदी फिल्म हादसा के भी पार्ट थे। मालूम हो कि अनुपमा में रूपाली गांगुली के अलावा गौरव खन्ना, सुधांशु पांडे, निधि शाह, मदलसा शर्मा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।